तो वही नोएडा से खबर है जहां सेंट्रल जोन के थाना इकोटेक 3 के एटीएस गोल चक्कर के पास देर शाम दो बाइक सवारों ने एक फैक्ट्री के कर्मचारी को गोली मार दी है। गोली लगने से घायल कर्मचारी को एक निजी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। सूचना मिलने पर थाना इकोटेक पुलिस समेत सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पुरानी रंजिश में युवक को गोली मारी गई है। वहीं पुलिस की दो टीमें आरोपियों की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। तो ग्रेटर नोएडा से पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं। बदमाशों के हौसले किस तरीके से बुलंद है इस खबर को सुनकर पता लगाया जा सकता है। बदमाशों ने कर्मचारी को गोली मारी है। घायल कर्मचारी अस्पताल में भर्ती है। घटना के बाद बाइक सवार बदमाश फरार भी हो गया। पुलिस की दो टीमें फिलहाल आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अंतर्गत एक व्यक्ति जिसका नाम अभिषेक है, जो सूरजपुर का रहने वाला है, ये बिश्नोई क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम करता था। आज ड्यूटी समाप्त करके अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। दो मोटरसाइकिल सवार ने इसके कमर के ऊपर गोली मार दी है। तत्काल इसे हॉस्पिटलाइज कराया गया है जहां इसका उपचार चल रहा है। इसमें दो टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर दोषियों को गिरफ्तार किया।